5 डेथ हुई हैं दिल्ली में साफ करते हुए सीवर को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नो, ये तो आज का दिन पहले नहीं है दिल्ली पे, कम से कम अभी 18 सच लोग डाइड। बट सरकार का हम लोग एलजी के लिए कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबका हम लोग मेमोरेंडम देते हैं, आज तक कोई भी चिट्ठी का जवाब भी नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई एक संदेश कुछ मिलेगा, वो कुछ नहीं होते हैं। इतने लोग मरने के बाद भी टेक्निकल व्यवस्था से कुछ साफ करने के व्यवस्था करो, वो भी कुछ नहीं होते हैं। तो गरीबी लोग मरने के समय ऐसा सारे लोग खामोश हो जाए तो ये देश का डेमोक्रेसी का अच्छा नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं, खासतौर से 5 लोग, और 5 लोग बहुत नौजवान थे, बहुत कम उम्र के थे, और DLF जैसे संस्था के अपार्टमेंट में, वहाँ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई कर रहे थे। इतने बनाने के बाद आपका तो इतने टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और नीचे से ऊपर तक जाने के लिफ्ट बनाते हैं, अरे नीचे का सेप्टिक टैंक साफ करना ये कुछ व्यवस्था नहीं होते है क्या? DLF जैसा और ताज विवंता जैसा और मॉल वसंत कुंज पे मॉल, सारे एस्टेब्लिशमेंट से अभी सेप्टिक टैंक पे डेथ ज्यादा हो रहा है, फिर भी सरकार ने बिल्कुल खामोश है। ये सरकार ये गरीबी का कोई मरे तो बात करने वाला नहीं है, क्यों तो कानून कहते हैं कोई का इंसान का आप सेप्टिक टैंक का अंदर और सीवेज का अंदर नहीं घुसाना। पर देश पर नेशनल कैपिटल पे हो रहा है ना, अभी नेशनल कैपिटल पे 5 लोग मौत होगा, बट अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होते हैं। वो बोलते हैं एफआईआर, व्हाट इज देयर, जस्ट दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, बट हाउ मेनी पीपल यू हैव प्रोसिक्यूटेड? आज तक ये देश का अंदर कोई एक कभी सजाव नहीं डाला। अभी दलित ये पिछड़े वर्ग का लोग कहीं मरे तो ये देश पे कोई कानून का कार्रवाई नहीं होते है। दिस इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। ये मेक है, अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, आज तक कहीं नहीं होगा। अरे कम से कम इधर 1876 पीपल डाइड, इसका कोई सिंपथी नहीं आते हैं। ये मैं कहना, अंबेडकर ने पहले भी कहा, ये देश पे सिंपथी का भी कास्ट होते हैं। सो ये कास्ट का दिमाग से हम कब बाहर आ जाते हैं, वो समय ये देश पे कानून काम करते हैं, सारे विषय काम करेंगे। स्वच्छ भारत मोदी सरकार कह रही है और उसके साथ साथ ये मौतें, दोनों में क्या रिश्ता है? ना, स्वच्छ भारत का ये सफाई कर्मचारी का कोई संबंध नहीं है। स्वच्छ भारत ये टॉयलेट बनाने के एक व्यवस्था है, कितने टॉयलेट बनाएंगे, इतने सेप्टिक टैंक बना चुका, इतने सेप्टिक टैंक पे और कितने लोग मरेंगे वो उनका पता होना चाहिए। इधर सफाई कर्मचारी का सारे मरने के एक व्यवस्था बना रहे, ये नया व्यवस्था है। ये व्यवस्था से अपना पैसा से अपना नागरिक का मारने के एक नया योजना है ये। लेकिन स्वच्छ भारत में तो नंबर 3 में ये भी लिखा है कि उससे महिला प्रथा का उन्मूलन होगा। बट स्वच्छ भारत का आप सेक्रेटरी पे भी पूछो, महिला प्रथा उन्मूलन के लिए कार्रवाई एक स्टेप एक बूंद भी आज तक कुछ नहीं होगा। किसी का पुनर्वास नहीं मिलते हैं, उनका पुनर्वास देना सरकार का जिम्मेदारी पड़ते हैं, बट सरकार पैसा नहीं देता। टॉयलेट बनाने के करोड़ करोड़ लाख लाख करोड़ रुपया पैसा खर्च करते हैं, ये सरकार का नीति है। सरकार ने महिला प्रथा उन्मूलन और उसके जो पुनर्वास के लिए खर्चा था, बजट था, वह कम किया, उसकी कोई कारण आपको बताया? आप कमेटीज में भी रहे हैं सरकार की ना, वो हमेशा कितने काम कर रहा है अभी उनका पहचान करना सरकार तैयार नहीं है। अगर सरकार तैयार हुए तो भी हजार हजार का लाख लाख लोग काम कर रहे हैं, वे पहचान करना तैयार नहीं है। टॉयलेट बनाने के तो उनका पास करोड़ करोड़ पैसा हो जाते हैं, दलित सफाई कर्मचारी महिला बाहर आके उनका मुक्ति के लिए वो इतने जिम्मेदारी लेके एक हिम्मत दिखाते हैं, उनका तो पुनर्वास के लिए ये सरकार का पास एक पैसा भी नहीं, पुनर्वास पे पैसा नहीं, पुनर्वास का उनका पास पैसा नहीं होते हैं। हर बैंक पे अपना लोग जाते हैं, वो बैंक वाला बोलते हैं अपना बैंक है क्यों भेजना, सरकार का पास क्या पैसा का कम है? 5000 साल से छुआछूत का कारण से ये देश पे सिर पे मैला ढोने के प्रथा चल रहा है, वो अगर बाहर आने के कोशिश करे तो क्या सरकार उनका कुछ पैकेज नहीं दे सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है, सरकार और प्रधानमंत्री सारे लोग इस पे थोड़ा चिंता करना, इसका तो बिल्कुल वो कोशिश करना सोचे।